हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर पूजा और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग एक डिफरेंस डिस्कस करेंगे, दैट इज साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में क्या डिफरेंस होता है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। साइटोप्लाज्म अगर हम सेल की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस है हम साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म इन सब चीज़ों की बात करेंगे। सेल के चारों तरफ प्रेजेंट होता है सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म जो होते हैं दे विल कंटेन और इंक्लूड एवरीथिंग विच इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट द न्यूक्लियस। अगर ये न्यूक्लियस है तो बस न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी सारी चीजें जो होंगी वो साइटोप्लाज्म के अंदर आती हैं। साइटोप्लाज्म कंटेन्स साइटोसोल एंड ऑर्गेनल्स। तो साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल्स, ये दोनों चीजें कहाँ प्रेजेंट होंगी? साइटोप्लाज्म के अंदर। तो अब यही तो क्वेश्चन है कि साइटोसोल और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस क्या है। तो साइटोसोल क्या होता है? एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म विच इज नॉट हेल्ड बाय ऑर्गेनल्स। यानी अगर हम साइटोप्लाज्म में से माइनस कर देते हैं ऑर्गेनल्स वाला एरिया, दैट विल बिकम द साइटोसोल। क्लियर? इसी चीज को समझने के लिए हम एक बार फिर से ये स्ट्रक्चर देखते हैं, जस्ट क्विक रिव्यू। ये है सेल और इसकी है ये मेम्ब्रेन जो ये चारों तरफ ड्रॉ की है मैंने। सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है मेनली प्रोटोप्लाज्म। अभी तो कहा कि साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, अब कह रहे हैं प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट है। बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों को इंक्लूड करके हम उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, क्योंकि हमने अभी बोला था कि न्यूक्लियस को छोड़ के जो चीजें प्रेजेंट होंगी दैट विल बी कॉल्ड अ साइटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। अब यहाँ प्रेजेंट है एक न्यूक्लियस सेल के अंदर, ऑब्वियस है सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियोलस। ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स हम अलग अलग वीडियोस में देखेंगे। तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। और साइटोप्लाज्म जो होता है दैट विल कंटेन साइटोसोल प्लस ऑर्गेनल्स। तो आई होप ये बहुत ही सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, दोनों को मिला के प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। और साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, साइटोसोल एंड ऑर्गेनल्स। तो अगर आप साइटोसोल बोल रहे हैं तो यानी साइटोप्लाज्म माइनस ऑर्गेनल्स, दैट विल बी कंसिस्टिंग ऑफ साइटोसोल। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द टू। अगर आपको ऐसी ही छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज जाननी है तो डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय। Oh,